हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग फिटनेस मंत्रा चैनल। मैं वेलनेस कोच राजेश कुमार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 ऐसी गोल्डन टिप्स एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, जिसको फॉलो करके आप आराम से एक सप्ताह में 3 kg से लेके 5 kg तक अपना फैट लॉस कर सकते हो। बस इसके लिए आपको ये 11 टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो कीजिए, और जो मैं आपको न्यूट्रिशन बताने जा रहा हूँ वो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए, तो आप आराम से एक महीने में अपना 8 से 12 केजी तक अपना वजन कम कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ओनली एक्सरसाइज करके भी फिट नहीं रह सकते और ओनली आप डाइट पे ध्यान देके भी फिट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी फिटनेस में 80% रोल न्यूट्रिशन का और 20% रोल वर्कआउट का रहता है। तो आपको 80% आप क्या खा रहे हो, कितने उसमें न्यूट्रिशन मिली है, उस पर ध्यान देना है, और 20% आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, उसमें आप जुम्बा भंगड़ा डांस जो हो, लेकिन 20% आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप 100% अपना कंप्लीट करते हो तो आप कभी भी अनफिट नहीं होंगे। तो चलिए आप बात करते हैं कि 11 ऐसी टिप्स कौन सी हैं जिसको आप फॉलो करके आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हर्बलाइफ के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है फॉर्मूला 1 शेक, सेकंड है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, और थर्ड है अप्रेस एनर्जी ड्रिंक। इन 3 प्रोडक्ट्स को आप यूज करके आसानी से अपना वजन कम कर सकते हो, और इसके साथ साथ में जो मैं आपको 11 टिप्स बताने जा रहा हूँ उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो चलिए अब टिप्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है खाने को जल्दबाजी में ना खाएं। बहुत से लोग हैं जो खाने को जल्दबाजी में बड़े बड़े टुकड़े लेके तुरंत फिनिश कर देते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर खाना आप जितनी जल्दबाजी में खाओगे उतने आपके मुंह में सलाइविका कम बनेगी, और जितनी सलाइविका कम बनेगी उतनी ही आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, और जब आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगी तो आप कभी भी फिट नहीं रह सकते। तो आपसे निवेदन ये है कि आप खाने को बिल्कुल आराम से चबा चबा कर खाइए, जब तक चबाइए जब तक आपके मुँह में जो टुकड़ा लिया है वो बिल्कुल लार के टाइप में ना बन जाए, तब तक उनको आप चबाइए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, और आपका जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। सेकेंड टिप्स है आपको अपने खाने से नमक और शुगर को अवॉइड करना है। जितना जल्दी आप अपने खाने से नमक और शुगर अवॉइड करोगे उतना जल्दी आप अपने फिटनेस पे आओगे। स्पेशली आपको सब्जी में, चपाती में और सलाद में तो आपको नमक बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, और आपको चीनी के रिप्लेसमेंट में आप गुड़ यूज कर सकते हो, वो भी एक लिमिट मात्रा में, लेकिन आपको चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी है। थर्ड टिप्स है आप अपने आटे को पौष्टिक बनाइए। मिक्स आप अब से आप मिक्स आटा यूज करना स्टार्ट कीजिए। मिक्स आटे में आप गेहूं का आटा, रागी का आटा, मक्का, ज्वार और अपने ओट्स का आटा, इन सब को आटे को आप मिक्स करके और यूज कीजिए। उससे आपके आटे की पौष्टिक बढ़ेगी और न्यूट्रिशन वैल्यू वो बढ़ेगी। इससे आपका वेट लॉस भी जल्दी होगा और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। टिप्स नंबर 4, अगर आपको वाकई अपना वजन कम करना है तो आपको डिनर 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है। 8 बजे के बाद में आपको डिनर नहीं करना है। 8 बजे के बाद में आप लिक्विड ले सकते हो, जैसे दूध है, पानी है, जूस है, लेकिन कोशिश कीजिए वो चीज़ें भी आप 8 बजे से पहले पहले ही फिनिश कर लें। उस डिनर कंप्लीट करने के बाद आप 40 से 45 मिनट अपना वर्कआउट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जो आपको सुटेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन रेस्ट मोड में मत जाइए। 40 से 45 मिनट बाद में आप अपनी बॉडी को रेस्ट मोड में ले जा सकते हो। नेक्स्ट टिप्स है आप अपने खाने में सैलेड, फ्रूट ये चीज़ें बढ़ाइए। बहुत से लोग हैं कि सर हम सैलेड नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खा सकते। अरे भाई क्यों नहीं खा सकते, आप खा सकते हो। अगर अभी नहीं खा सकते हो तो आप क्वांटिटी दे दिए बढ़ा दीजिए। अगर अभी आपकी हैबिट नहीं है तो कम है, स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप स्टार्ट तो कीजिए। अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कहाँ से आपको अच्छा लगेगा। खाने में जितना आप सैलेड खाओगे वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्रूट है, फ्रूट जूस है, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। कार्बोहाइड्रेट आप खाने में कम से कम यूज कीजिए। टिप्स नंबर 6, आपको अपने दिन की शुरुआत नमकीन, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी इनसे नहीं करनी है, क्योंकि इनसे आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। आपको अपने दिन की शुरुआत 2 गिलास गुनगुने पानी से करना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तथा डाइजेशन सिस्टम क्लीन रहेगा। टिप्स नंबर 7, आपको अपने ब्रेकफास्ट में नमकीन, बिस्किट, पराठे, चाय, कॉफ़ी ये चीज़ें सब अवॉइड करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना है। आप अपने ब्रेकफास्ट में जितना प्रोटीन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। कम से कम आपका 25 से 30 ग्राम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप एक हर्बलाइफ शेक मॉर्निंग में लेते हो तो आपको वहाँ से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो हमें पर डे कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर हमारा वेट 70 kg है तो हमें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मीन्स हमें 1 kg के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
टिप्स नंबर 8, अगर आपको वाकई फिट रहना है तो आपको फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होगी। इनसे आपको हाई कैलोरी मिलती है और न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो रहती है। जो भी आप खा रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इंटेक कीजिए। टिप्स नंबर 9, चावल और चपाती को आप एक साथ यूज मत कीजिए। अगर चावल यूज कर रहे हो तो चपाती को अवॉइड कीजिए, अगर चपाती ले रहे हो तो चावल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर चावल यूज कर रहे हो तो उबला हुआ चावल यूज कीजिए, जिसका हम पानी अलग निकाल देते हैं, या फिर आप ब्राउन राइस यूज कीजिए। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी और उसका आपका वेट गेन नहीं होगा। टिप्स नंबर 10, आपको पर डे 3 से 5 लीटर पानी पीना है। बहुत से लोगों की हैबिट है जो 1 या 2 लीटर पानी पीते हैं, तो आज से आप अपनी हैबिट बनाइए, 3 से 5 लीटर ज़रूर पानी पीजिए। एक साथ में आपको 1 गिलास ही पानी पीना है, वो भी आराम से छोटी छोटी घूंट लेके पीना है, एक साथ में नहीं पीना है। टिप्स नंबर 11, आपको पर डे 40 से 45 मिनट का वर्कआउट करना है। वर्कआउट में जो आपको पसंद हो, जुम्बा, भंगड़ा, डांस, कार्डियो, या आप हमारे साथ ऑनलाइन कम्युनिटी में ऐड होकर भी वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वर्कआउट सेशन और हेल्थ सेशन दोनों मिलने वाले हैं। आप इन 11 टिप्स के साथ साथ ये 3 प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका 1 सप्ताह में 3 kg से लेकर 5 kg तक आराम से वजन कम हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि हर्बलाइफ के प्रोडक्ट कौन कौन से यूज करने हैं। अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और फॉर्मूला 1 शेक, ये 3 प्रोडक्ट से आपका और इन 11 टिप्स से आराम से आपका 1 मंथ में 8 kg से लेकर 12 kg तक वजन कम हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। धन्यवाद।